हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इससे पहले आपको मैं डॉट पर इससे पहले मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन इससे पढ़ा चुके हैं। आज आपको इसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ाते हैं। देखिए उसमें दो होता है, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये स्केलर होता है। इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या, उसको वेक्टर प्रोडक्ट होता है, उसका एक अपना डायरेक्शन आएगा, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन होगा। बाद में बताएंगे कि क्या डायरेक्शन होगा, अभी इतना जान लीजिए कि दो होता है डॉट प्रोडक्ट, उसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। आप फॉर्मूला तो देख ही रहे, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ये जो है ए बी वेक्टर वो मैग्नीट्यूड है ए। ए का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड बी का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर उस पर एरो का साइन नहीं है तो उसका मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम यहां भी। ठीक, और थीटा क्या है, ये जो थीटा एंगल बिटवीन थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, अब एंगल तो समझते हैं, या कि दोनों टेढ़ होना चाहिए या दोनों हेड होना चाहिए। ठीक, आइए सीखते हैं आगे क्या होता है, इसका कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। आज के लेक्चर में आपको पूरा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट उसमें दो चार क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आगे दिक्कत होगा तो फिर आपको बताएंगे। आज तो वेक्टर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद मैं पूरे वेक्टर से जितना आईटीजेई और मेडिकल नीट में क्वेश्चन पूछा गया उसे उसका सभी का एक लेक्चर बना के एक घंटा का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। आइए पहले कि आज अच्छे से सीखिए कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है डॉट प्रोडक्ट का। कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मान लीजिए कि ए वेक्टर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ऐसे ही बी वेक्टर मान लीजिए बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। इसका आपको करना है क्या, डॉट। चलिए देख लीजिए, अभी तो जस्ट मैं एक फॉर्मूला लिखाया था, ये मान लीजिए ए वेक्टर, ठीक, ये मान लीजिए बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये क्या होगा इसके बीच के एंगल थीटा। अभी आपको मैं फॉर्मूला जस्ट लिखाया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, उसमें क्या ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, थीटा क्या एंगल बिटवीन, देन उसका कोसाइन ले लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अच्छा देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट अंडर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, वैसे बी वेक्टर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड उसका v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर। ठीक, और जो एंगल है वो उसका कोसाइन ले लेंगे तो आ जाएगा। ठीक, लेकिन आप इसको देखिए पार्ट बाय पार्ट करके देखते हैं तो कुछ क्लियर होगा। अभी जो हम लिखाए हैं ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर, उसको लिख लीजिए ए इनटू, ये इनटू बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, बी का ये देखिए इसका दो कंपोनेंट तोड़िएगा, दो कंपोनेंट तोड़िएगा, एक आएगा इधर, ये क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, एक इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, इंटू अलोंग इंटू ए वेक्टर, या ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक, सेम यहां जो ए बी कॉस थीटा था उसको क्या कर लीजिए बी इंटू ए कॉस थीटा, सेम यहां लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। तो अब क्या कीजिएगा, ए का कंपोनेंट बी पे कर लीजिए, जैसे देखिए सेम वही, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ लीजिए, इसके लिए क्या होगा, इसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ऐसे, तो हो गया यही एक्सिस है, मान लीजिए इसका कंपोनेंट तोड़िए, एक हो गया ये इधर, और एक कंपोनेंट इधर किए, तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक, एक इधर आएगा कंपोनेंट इसका ऐसे, चलिए मिला दीजिए, ये एक होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा ए साइन, एक दिन हमको ए कॉस थीटा का लेना है, तो क्या होगा बी इंटू, इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा, हो गया। तो या किसी का, किसी वेक्टर के दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट ले लीजिए, क्या हो जाएगा उसको आप दोनों को गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्शन नहीं होता, वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो क्या करना है, सिर्फ आप कोई दो वेक्टर का डॉट निकालना हो तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा कोई एक वेक्टर का दूसरे पे कंपोनेंट ले लीजिए और गुणा कर दीजिए। ठीक, तो आ जाएगा, जो आएगा वही रिजल्ट होगा। जैसे आइए, ये तो हो गया ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको बेसिक से करके दिखाते हैं तो क्या होगा। ये फॉर्मूला तब यूज करना है, अभी जो मैं लिखाया हूं ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये बहुत लंदी हो जाता है, बहुत लंदी। क्यों कि पहले तो आप अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है आई कैप जे कैप और के कैप में, ठीक, तो पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, ठीक, फिर उसका क्या कीजिएगा एंगल निकालिए, एंगल तो मालूम नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है कि ये वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, अगर इस सिचुएशन में क्या है आपको तो एंगल मालूम नहीं, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लीजिएगा, इसका आ जाएगा कितना रूट अंडर थ्री, इसका आ जाएगा रूट अंडर फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, यानी रूट अंडर ट्वेंटी नाइन, मैग्नीट्यूड तो आ गया, एंगल कैसे निकालिए, एंगल निकालना मुश्किल होगा, तो उस टाइम में आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा एंगल निकालने के लिए हम यही डॉट प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। ठीक, तो जब इस सिचुएशन में आप बेसिक से आइए, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं खाली ये बेसिक से आइए और ये जानते हैं कि ए डॉट क्रॉस बी बराबर क्या होता है, सॉरी ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी क्रॉस थीटा। ठीक, और एक माने ए वेक्टर ये तीन वेक्टर से मिला मान सकते हैं, एक आई कैप डायरेक्शन ए वन, आई कैप जो है एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, मान सकते हैं क्योंकि तीनों का अलग अलग डायरेक्शन में है, इसको तीनों को ऐड करके लिखें क्या ए वेक्टर। ठीक,
ठीक, ये तीन वेक्टर का ऐड है, ए वन आई कैप यानी आई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, ए टू और ए थ्री, तीन वेक्टर का ये एडिशन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर क्या, तीन वेक्टर का आई कैप के डायरेक्शन में, जे कैप के डायरेक्शन और थ्री के डायरेक्शन में, तीनों का एडिशन है, तो हम ए डॉट बी करते हैं, ठीक, और ध्यान दीजिएगा ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी करेंगे तो हम क्या बोले, ए बी कॉस थीटा होता है, इसका मतलब है कि हर वेक्टर के दूसरे से गुना कीजिएगा, उसके बाद कॉस लगाइएगा, ठीक। तो आइए अभी तो मालूम नहीं कर रहे हैं, यहां से देखिए, यहां से ये क्या हो जाएगा, ए वन बी वन एक एक उठाइए सबसे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा ए वन बी वन, ए वन आई कैप ए वन बी वन इंटू आई डॉट आई हो जाएगा, प्लस ए वन बी टू आई डॉट जे, प्लस ए वन बी थ्री आई डॉट के, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ डायरेक्शन है, आई डॉट के क्या, फिर दूसरा से दूसरे करते हैं, प्लस ए टू इंटू बी वन जे कैप इंटू आई कैप, प्लस ए टू इंटू बी टू जे डॉट जे, प्लस ए थ्री डॉट इंटू बी थ्री, सॉरी ए टू बी टू को ए टू ही जान लीजिए, ए टू बी थ्री जे कैप डॉट के कैप, ऐसे ही प्लस ए थ्री इंटू बी वन के कैप डॉट आई कैप, प्लस ए थ्री बी टू के कैप डॉट जे कैप, प्लस ए थ्री बी थ्री के कैप डॉट के कैप। आइए एक बात जानते हैं, ये जानते हैं कि ये होता है आई वेक्टर, ये होता है जे और ये होता है के, मतलब बोर्ड से बाहर, ठीक। तो देखिए आई जे और के क्या है, बोर्ड से बाहर, तीनों के बीच के अंदर कितना है, 90 90। तो और अभी हम बोले हैं कि ये अलग वेक्टर, ये अलग, ये तीन वेक्टर का सम है ए वेक्टर, ए वन आई कैप का, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप का, वैसे बी वेक्टर क्या है, तीन वेक्टर, बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप, तीनों का सम है बी वेक्टर, ठीक। अभी हम बोले हैं कि ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और अगर थीटा क्या हो गया 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ए डॉट बी बराबर जीरो हो जाएगा। अगर थीटा क्या हो गया जीरो तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर ये भी हो जाएगा, कोई डाउट, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है वन। वैसे देखिए तो आई कैप या आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा जीरो, वैसे ही जे कैप और जे कैप के बीच का एंगल जीरो, वैसे के कैप और के कैप के बीच का एंगल जीरो। लेकिन जब ये दो डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा आई जे या आई के या आई चलिए जे के या उल्टा कर दी, दो जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों की परपेंडिकुलर होगा तो उसका वैल्यू क्या जीरो हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ए वन बी वन है आई डॉट आई, ये क्या हो जाएगा वन, ये देखिए ए वन बी टू आई डॉट, ये क्या हो जाएगा जीरो। ऐसे जहां डिफरेंस है दो डिफरेंट वेक्टर का है वहां क्या कीजिए जीरो हो जाएगा जे डॉट आई, ठीक। एक ये बचेगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर ये बचेगा, ये भी कट जाएगा, यानी सिर्फ कौन सा बचा आपका वैल्यू ए वन बी वन, ये तो वन हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका वन होता है डॉट वन, ठीक, कॉस जीरो वन हो जाएगा तो वन हो जाएगा, तो आपका फाइनल बचा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। बहुत रिजल्ट क्या है, सबसे सिंपल आया रिजल्ट,
क्या करना है, सीधे आई कैप के साथ आई कैप वाला गुणा कर देना, जे कैप के साथ जे कैप पे गुणा कर देना, के कैप साथ वाले को के कैप के साथ वाले से गुणा कर देना, और जो आएगा फाइनल रिजल्ट वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए तो फाइनल क्या हो गया आपका, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो उसका डॉट निकालना हो तो सिंपल सा आप क्या कीजिएगा, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री बी थ्री। ठीक, बहुत सिंपल सा रिजल्ट, और यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, या ए बी कॉस थीटा। ठीक, देखिए बहुत सिंपल सा रिजल्ट आया है, जब आप दो वेक्टर दिया रहेगा आई कैप जे कैप और के कैप में। ठीक, और आपको पूछेगा एंगल निकालने के लिए, ये देखिए यहाँ से आ जाएगा, उसको क्या कीजिएगा, इसका अपना मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा और उसको इसके इक्वल कर दीजिएगा। ठीक, वहां से कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपको, देखिए कैसे इसको हटा रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए, यहां से देखिए सिंपल दिख रहा है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक, आइए एक दो क्वेश्चन कराते हैं तो आपको पता चलेगा, नोट कीजिए। मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर है, ठीक, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक, एंगल मान लीजिए 30-60 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, तो सीधा बोलेगा कि बताइए इसका ए डॉट बी क्या होगा, इसमें क्या कीजिएगा, वो फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल, ए बी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया 5, इसका कितना 6 cos 60। ठीक, ये क्या हो जाएगा 30 × cos 60 1/2 यानी 15 यूनिट हो जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा 15 यूनिट, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन यही में जो अगर आई कैप जे कैप दे देगा तो क्या कीजिएगा, ए वेक्टर दिया मान लीजिए 1 i कैप + 2 j कैप + 3 k कैप प्लस बी वेक्टर दे दिया आपको क्या 2 i कैप - 3 j कैप + 5 k कैप, तो पूछेगा इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, उसके लिए बहुत सिंपल, क्या कीजिएगा, बस ए डॉट बी सिंपल है, जो आई के साथ आई वाला को गुणा कर दीजिए 1 × 2 + 2 × - 3, ठीक, + 3 × 5 और एड कर दीजिए कितना हो गया 2 - 6 + 15 कितना हो गया 15 - 6 = 9 9 = 11 हो गया, बहुत सिंपल।
अगर इसमें आगे फिर पूछ दिया कि बताइए कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, एंगल के लिए क्या कीजिएगा, एंगल के लिए इसी को इक्वल कर दीजिएगा, ये बोले थे इसी को इक्वल कर दीजिएगा ए बी कॉस थीटा के इक्वल, ठीक। और ए मालूम है, बी मालूम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है इसका, यहाँ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस चार प्लस नौ, रूट अंडर फोर्टीन। वैसे यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिएगा, दो का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर चार प्लस नौ प्लस पच्चीस, ठीक, नौ चार तेरह पच्चीस कितना होगा, अट्ठाईस दस रूट अंडर अड़तीस हो गया। ए भी कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा हो रहा हो क्या होगा, ए ए डॉट बी ठीक अपॉन ए ए बी, ए डॉट बी कितना है, इलेवन, यहां से जो डायरेक्ट किए हैं अपॉन ए ए बी, ए का वैल्यू कितना है, रूट अंडर फोर्टीन इंटू रूट अंडर थर्टी फाइव, यही कॉस थीटा का वैल्यू हो जाती है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इलेवन अपॉन रूट अंडर फोर्टीन इंटू रूट अंडर थर्टी थर्टी फाइव, ठीक, समझ गए। अच्छा ये बोलिएगा, आप लोग पूछिएगा क्वेश्चन कि सर इसका यूज क्या, हम क्यों करते हैं, तो इसका यूज आगे बहुत होगा फिजिक्स में, ठीक, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। जैसे वर्क निकालना जानते हैं, वर्क क्या होता है, अभी तो बच्चा ने नाइन्थ में सीखे होंगे सीधे एफ एस फोर्स को, नहीं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो तब जब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तब वो होता है एफ एस। लेकिन अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए इधर आपकी तरफ डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो गया, इधर कुछ रुकावट है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, उस केस में फोर्स वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, सेम देखिए लग रहा है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन क्या हो गया एफ डॉट एस, तो वहां पे यूज होगा। जैसे मेरे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा करवा रहे हैं, क्वेश्चन है, चलिए लिखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ, एफ फोर्स लिखिए लिखिए टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ठीक। और ये फोर्स, इसका फोर्स कैसे अगर कोऑर्डिनेट पे डिनोट करना चाहेंगे, देखिए कहां है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, या इसे आई कैप लिखिए, इसको जे कैप, और के कैप क्या होगा आपके तरफ, एक एक्सिस ऐसे आएगा आपके तरफ, इसमें देखिए क्या है टू, तो यहां तक गए दो तीन, थोड़ा सा बड़ा बनेगा तीन, हाँ, और चार, ये ऐसे आई यहां, जो यहां मान लीजिए चार यहां आ गया इस पॉइंट पे, तो देखिए यहां जब लीजिएगा तो एक्स एक्सिस में आए दो, वाई एक्सिस में तीन, और जेड एक्सिस में चार, तो आपको जो यहां से मिलाएंगे, ये यहां से जो ओरिजिन से मिलाएंगे, ये वेक्टर हो गया क्या, फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ऐसे। लेकिन अब बोल रहा है कि जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हुआ है किस पोजिशन से किस तक, वो दिया हुआ, पहले क्या था पोजिशन, पहले का पोजीशन था आर वन वेक्टर, मतलब इनिशियल पोजीशन, या आर आई दे दीजिए, इनिशियल पोजीशन था, ठीक, क्या मान लीजिए, अपने से भी मान सकते हैं, लेकिन हम चलिए लिखा दे रहे हैं अभी, तो अपने से मान ले, कुछ भी इसी को डिफरेंट डिफरेंट मान के आप कीजिएगा, लिख लीजिए इनिशियल पोजीशन था टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, सेम हो गया दोनों क्या,
सेम हो गया, डिफरेंस कर दीजिए थोड़ा सा इसको, वन कर दीजिए और आर फाइनल या आर वन मान लीजिए इसको, या आर टू या आर फाइनल, ठीक। इसको मान लीजिए वन वन, वन आई कैप प्लस वन जे कैप प्लस वन के कैप। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आप मान लीजिए हम यहाँ यहाँ खड़े हैं और यहां से चल के यहां तक पहुंचे, तो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा, आर फाइनल जो जब जहां पोजीशन है फाइनल वो माइनस जहां इनिशियल का था वो, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, या आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल हो, आर इनिशियल या आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल, देखिए वन माइनस टू माइनस आई कैप माइनस वन आई कैप, वन माइनस थ्री माइनस टू जे कैप, वन माइनस वन जीरो प्लस जीरो के कैप। ठीक हो गया, देखिए फोर्स दिया हुआ है आपका, ये फाइनल आ गया डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर, कितना आया माइनस वन आई कैप माइनस टू जे कैप। ठीक, तो वर्क पूछेगा क्या कीजिएगा, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क वर्क क्या होता है, ये वर्क इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, पता है एफ क्या हो गया टू थ्री फोर, ये प्लस जीरो भी दे दीजिए सुधार देगा। हाँ, यहाँ पर लिखिए आप आर वेक्टर क्या यार, माइनस वन आई कैप माइनस टू जे कैप और प्लस जीरो के कैप। फिर आइए इसको हटाते हैं, हाँ चलिए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस वेक्टर या आर वेक्टर, आर वेक्टर यही डिस्प्लेसमेंट है या एस वेक्टर जो भी मान लीजिए, क्या हो जाएगा डायरेक्ट गुना कीजिए माइनस टू इंटू थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स प्लस जीरो जूल। ठीक, कितना हो गया माइनस फोर जूल। अच्छा कहिएगा माइनस आ गया, माइनस का क्या मतलब होता है, ये नेगेटिव फोर्स लगाया जिधर उधर नहीं जाके उसके उल्टे में आया है, कैसे आ, देखिए वहीं से समझाते हैं, ए डॉट बी वेक्टर बराबर क्या था, ए बी कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा अगर आप ये जानते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ठीक, तो अगर कॉस थीटा 90 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। तो आप एक रिजल्ट लिखिए, आप बड़ा सुंदर रिजल्ट लिखिए कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यदि ये अगर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव वैल्यू है तो थीटा कहां से कहां होगा, जीरो से लेके पाई बाय टू से कम। ठीक, क्योंकि पाई बाय टू जो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, अगर ये ए डॉट बी आपको जीरो आ गया तो थीटा क्या है पाई बाय टू। अगर ये ए डॉट बी क्या आ गया निगेटिव तो थीटा क्या हो जाएगा पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू से लेके पाई तक। ठीक, जब कॉस पाई आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस वन, कॉस जीरो होगा तो वन। ठीक, सबसे ज्यादा वर्क तब होगा जब दोनों के बीच के एंगल क्या होगा जीरो, और सबसे कम नेगेटिव वर्क कब होगा जब पाई क्या होगा थीटा वैल्यू क्या होगा पाई, यानी एंगल दोनों के बीच में जैसे फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये होगा, फोर्स ये और एस वेक्टर ये, तो देखिए दोनों के बीच के एंगल क्या होगी 180 टेल टू टेल। इस केस में क्या होगा सबसे कम वर्क
होगा यानी नेगेटिव होगा, फोर्स तो लगा रहा है इधर जा रहा है इधर, ये किस केस में होता है? जैसे देखिए जब हम बॉल फेंक दिए उसके बाद क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है तो नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ऊपर जाते जाता है। उस केस में आप बोलिएगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज निगेटिव। क्यों? फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स एमजी फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन जो आपके जो ताकत लगा हुआ है उसके कारण वो जा रहा है ऊपर, लेकिन ग्रेविटेशन के कारण क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगा रहा है और वर्क ऊपर हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोर्स तो लगा रहे हैं इधर और जा रहे हैं उधर, तो उल्टा में जा रहा है, तो कहां उस उल्टा केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, चलिए समझ गए। आइए एक क्वेश्चन और कराते हैं, देख लिए अगर थीटा पाई बाई टू हो तो उसके डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। इससे ये भी निकला कि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, यदि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं परपेंडिकुलर के लिए, आपको वेरीफाई करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ए वेक्टर टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस वन के कैप, वैसे बी वेक्टर ठीक ले लीजिए वन आई कैप प्लस वन जे कैप प्लस वन के कैप, इसका निकालिए ए डॉट बी, निकालेंगे क्या हो जाएगा, टू इंटू वन टू थ्री इंटू वन थ्री वन इंटू वन, इसको ले लीजिए माइनस वन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री ये प्लस वन, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ए डॉट बोल बी क्या आ गया जीरो, इसका मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। अगर एक बार देखिए डिनोट करके आपको आता है कि ये क्या है, आई कैप इन टू जे कैप इन थ्री वन, मतलब टू थ्री ये पॉइंट क्या हो गया टू एंड थ्री हो गया, और वन है ये यहां पे आ गया ठीक। तो आप देखिए यहां से होगा ये एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और यही इस पॉइंट को लीजिए वन ठीक माइनस वन ठीक और प्लस वन, ये हो गया यहाँ पे आके मात्र यहाँ, तो ये वेक्टर देखिए ये यहाँ आया है इधर, ये वेक्टर इधर और ये वेक्टर ऐसे था, तो दोनों के बीच का एंगल क्या 90 डिग्री बन जाएगा। आप नहीं हो तो कॉर्नर में जाके अब पॉइंट बनाइएगा, एग्जैक्ट पॉइंट लीजिए दो, मैंने कोई भी यूनिट को मान लीजिएगा, उसका दो यूनिट लीजिएगा, इसका थ्री यूनिट और के कैप में जाइएगा वन यूनिट, एक वहां स्टिक लगा दीजिएगा, फिर इस वेक्टर पर आपको पता चल जाएगा तो दोनों परपेंडिकुलर है ठीक। अब तो नहीं दिक्कत होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट में, तब भी दिक्कत हो आप कॉमेंट बॉक्स में डालिएगा, कोई डॉट हो कोई क्वेश्चन हो उसका फोटो खींच के ठीक क्रैप करके डालिएगा, सोल्यूशन हम आपको फिर से कर ठीक। काफी बस ध्यान रखना कि जब ही एक बात ध्यान रखना है कि जब ही एंगल निकालना आए दो वेक्टर के बीच या कहीं भी कोई एंगल निकालने की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट यूज कीजिएगा, उससे जल्दी और आसानी से निकल जाएगा एंगल ठीक। और भी होता है डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल, वर्क हुआ फोर्स होता है नहीं सॉरी मोमेंटम, वो क्या होता है एफ डॉट बी वेक्टर, आगे आगे जैसे जैसे आते जाएगा हम आपको बताएंगे कि कहां इसका यूज होता है और कितनी आसानी से इसे सॉल्व होता है। तो ध्यान रखिएगा डॉट प्रोडक्ट के लिए फाइनली दो फार्मूला है, एक ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी, और एक आया था ए डॉट बी बराबर सीधे
क्या ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, उसमें से क्या है ए वन क्या है आई कैप का कंपोनेंट है ए वेक्टर का, इसे लिख लीजिए फिर से एक बार शॉर्टकट लिख लीजिए, एकदम फाइनल रिजल्ट लिखा है। देखिए आपको कोई एक ए वेक्टर है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर है आपका बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ठीक, तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, या दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए डॉट ए बी कॉस थीटा। दोनों है, यहीं से दोनों की इक्वल कीजिएगा वहां से कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, अगर चाहे मान लीजिए बी में से कोई वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो वहां से कोई वैल्यू बी टू नहीं दिया है और आपका दिया हुआ कि दोनों परपेंडिकुलर है या दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। ठीक, तो आप वहां से ये दोनों का यूज करके आप वहां से निकाल सकते, कभी भी ये डॉट प्रोडक्ट आए क्वेश्चन आपको दिखे एंगल निकालना हो या परपेंडिकुलर हो कि बस उसमें क्या करना है यही दो फॉर्मूला यूज करना है, यही दो से कोई ना कोई आपको इसमें से एक अननोन रहेगा वो आपको निकालना होगा। ठीक, जैसे दिखाते हैं क्वेश्चन आपको, ये हो गया, ये क्या है समझ ही है, इतना आपको याद रहना चाहिए कंठस्थ, वैसे तो इतना कुछ याद करने को है नहीं तब भी बोल रहे हैं कि याद रहना चाहिए इतना कि बस डॉट प्रोडक्ट में यही दो फॉर्मूला यूज करना है, जेई हो या मेडिकल हो कहीं भी या सीबीएसई बोर्ड हो अगर न्यूमेरिकल आएगा इसी फॉर्मूला पे रहेगा। ठीक, बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जब अगर क्वेश्चन समझ गए डॉट प्रोडक्ट यूज करना है तो बस यही यही दो फॉर्मूला से बनेगा। डॉट प्रोडक्ट यूज कर कैसे समझिएगा कि डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, जब ही आपको एंगल निकालने दे दे या ये बोल दे कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या कुछ भी ऐसा मिलता जुलता हो वहां पे आप डॉट प्रोडक्ट उनके यूज कीजिएगा। ठीक, और आगे जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ करना है, बता ही दिए वर्क में करना है, मोमेंटम अगर निकालना हो वहां करना है। ठीक, फिर देखिएगा ट्वेल्थ में जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय आता है, मैग्नेटिक फील्ड में निकालने में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इस समय आता है यूज, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक, आइए एक क्वेश्चन करवाते हैं। अच्छा, मान लीजिए ए वेक्टर है वन आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस टू के कैप, और बी वेक्टर है टू आई कैप माइनस एम जे कैप प्लस के कैप। के कैप मतलब वन होगा। अब बोला फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब ए और बी के बीच के एंगल का क्या 90 डिग्री है, ए और बी के बीच के एंगल कितना है 90, तो उसके
ये निकालना ठीक दीजिए, बहुत सिंपल। तो आप क्या कीजिए, ए डॉट बी क्या होगा, वन इंटू टू टू प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस 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 फाइव एम प्लस टू इंटू वन। हाँ, और दोनों के बीच के एंगल 90 है, परपेंडिकुलर है। ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हो जाएगा फाइनल, ये जीरो, यानी इस दिस इज इक्वल टू जीरो, टू माइनस फाइव एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक। या एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं, दो दो चार हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फोर अपॉन फाइव। एम का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर एम का वैल्यू फोर अपॉन फाइव होगा तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक। अगर अदरवाइज ये इसका कुछ वैल्यू आएगा, तो आप इसको दो तरीका दे सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। कैसी भी घुमा के देगा, बस क्वेश्चन पकड़ना है। क्वेश्चन अगर जब पकड़ लिए, आईटी हो या मेडिकल हो, ठीक, या कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, किसी में क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस बच्चा क्वेश्चन समझ नहीं पाता है। जेई में भी देखिएगा, जब आप दीजिएगा मेन या एडवांस का एग्जाम दीजिएगा, पहले तो मेंस होता है, तो देखिएगा आपको बहुत क्वेश्चन आता रहेगा, बस आप वहां पर क्वेश्चन नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक। अगर क्वेश्चन पकड़ लेते वो कैसे होगा, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना से जितना होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आप क्वेश्चन को पकड़ने में होगा, क्वेश्चन को समझने में होगा, क्योंकि बहुत बच्चा इसलिए नहीं होता कि क्वेश्चन उससे बनता नहीं, बहुत समझ नहीं पाता, ठीक। तो जितना से जितना हो ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हम तो करवाएंगे, तभी सेल्फ प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपको सक्सेस दिलाएगा, हम तो बस एक रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक। तो कीजिएगा खुद से प्रैक्टिस, जितना हो वेक्टर का कोई सीट ले लीजिएगा, कोई सीट की, या हम भी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे आपको, तो वहां से ले लीजिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा। आइए अब ये हो गया डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। आज वेक्टर ये लास्ट टॉपिक है, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट आज हो जाएगा, उसके बाद हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिएगा इसका भी यूज उसमें हम काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपको लिंक बताना सिखाएंगे कैसे लिंक किया जाता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, 5% 10% क्वेश्चन होता है जो थोड़ा हार्ड देता है वो लर्नर्स के लिए, उसको हम सिखाएंगे कैसे क्वेश्चन हार्ड किया जाता है, कैसे एक दूसरे को लिंक किया जाता है, समझाएंगे आपको काइनेमेटिक्स में। आइए अभी पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी, वेक्टर प्रोडक्ट ये क्या होता है, मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना, तो क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ये क्या होता है, इसे बोला जाता है यूनिट वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्योंकि नॉर्मल इसे बोला जाता है, ये जो वेक्टर होता है दोनों ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए ये है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर ये थीटा मान लीजिए, वो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक। इसलिए क्या बोला जाता है, इसे नॉर्मल यूनिट वेक्टर या सिंपल यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये सिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है डायरेक्शन। आइए इस डायरेक्शन निकालने के लिए दो है, वैसे सबसे अच्छा राइट हैंड, राइट हैंड
थन रूप और वही एक होता है स्प्रिंग वाला, क्योंकि सेम वही होता है जैसे स्प्रिंग घुमाते हैं स्प्रिंग, तो जो जिधर जा रहा होता है उधर दिखाया जाता है। ठीक स्प्रिंग देखिएगा नहीं दीवार में छेद करने के लिए घुमाता है, तो देखिएगा घुमाने से जैसे जिधर जाएगा वैसे ही उस वेक्टर को अगर घुमाते हैं यानी ए से ए क्रॉस बी में जाने में सेम उसी का डायरेक्शन होगा। आइए फिर राइट हैंड थंब रूल सिखाते हैं। जैसे हमको ए क्रॉस बी है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक। तो जो पहले वेक्टर है ना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के लिए हम दिखा रहे हैं, ठीक। और ध्यान रखिएगा ए डॉट B इक्वल टू हो जाएगा B डॉट A, लेकिन A क्रॉस B कभी नहीं इक्वल होगा B क्रॉस A का, ठीक। जैसे ये लिखिएगा कि आगे एक माइनस साइन आ जाएगा, क्यों उल्टा जा रहा है ना, ये तो वेक्टर है। तो जो पहले हो उसकी तरफ उंगली देना है, देखिए A की तरफ दिए ये उंगली और दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ना है, देखिए बी की तरफ मोड़ रहे, तब जो अंगूठा के साइन आएगा वो क्या होगा आपका इसका डायरेक्शन दिखाएगा ए क्रॉस बी का, ठीक। किधर आ रहा है आपकी तरफ, तो उसका भी दर्शाने का तरीका है, अगर बोर्ड से बाहर आ रहा है उसके लिए क्या डॉट, उसके लिए क्या हो गया डॉट आउट ऑफ बोर्ड, या आउटवर्ड लिखिए आउट ऑफ बोर्ड, आउटवर्ड लिखिए कॉपी पर भी लिखिएगा आप लोग आउटवर्ड आउटवर्ड और क्रॉस। अगर अंदर जा रहा जैसे मान लीजिए ये हो गया यहां दे दीजिए ये ले लीजिए ये है, तो अंगली दे दिए इसके तरफ, अब बी के तरफ मोड़े क्या जा रहा है इनवर्ड यानी बोर्ड के अंदर, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन निकालिए वैसे स्क्रू में, देखिए ऐसे घुमाएंगे स्क्रू रखें ऐसे घुमाइएगा तब ये अंदर जाएगा, तो जिस डायरेक्शन घुमा रहे ए से बी की तरफ जाइए इनवर्ड हुआ, अगर ऐसे घुमाइएगा तो बी क्रॉस ए क्या हो गया तब खुलेगा तो आउटवर्ड आएगा, ठीक समझ गए। ऐसे देखिए ए क्रॉस बी कीजिएगा तो इनवर्ड और बी क्रॉस ए और सॉरी ए क्रॉस बी की आउटवर्ड और बी क्रॉस ए की इनवर्ड, इसीलिए हम बोले थे कि ए क्रॉस बी बराबर क्या हो रहा है माइनस बी क्रॉस ए, ठीक समझ गए ना। चलिए आइए इस पर भी एक दो क्वेश्चन है, पहले इसको समझाते हैं और तब क्वेश्चन करवाएंगे। इसका भी जैसे डॉट प्रोडक्ट दो फॉर्मूला आप देखे थे सेम, इसका भी एक और तरीका निकालना सिखाएंगे जहां पर इससे ज्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ए बी sin थीटा एंगल में पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालिए फिर उसके बाद एंगल अगर दिया रहेगा तब आप जाकर उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, एंगल तो दिया रहता नहीं, जब आईकेप जेकेप में दिया रहेगा तो एंगल दिया नहीं रहेगा, उस केस में कैसे निकालिएगा वो सिखा रहे हैं आप लोग। अभी तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, अब जब ट्वेल्थ में जाइएगा तो मैथ में एक चैप्टर पढ़िएगा डिटरमिनेंट, ठीक। यहाँ पर मेरा सिंपल यूज है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक वैसे करना है, डिटरमिनेंट का ही यूज मैं कर रहा हूँ, वो आप जाके डिटेल पढ़ेंगे किसमें ट्वेल्थ में, ठीक तभी आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि बाप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे अभी नहीं समझेंगे, नहीं बिल्कुल सिंपल है, जैसा हम करेंगे वैसे आपको भी करना है, ठीक। देखिए पहले डिटरमिनेंट थोड़ा देख लीजिए, ठीक डिटरमिनेंट अगर दो इसे बोला जाता है रो इसे कॉलम, ठीक इसे रो और इसे कॉलम, देखिए इसे
इसी को लगा जाएगा टू रो मान लीजिए ए वन बी वन या ए टू लिखिए ए टू यहाँ बी वन बी टू ये हो गया टू रो टू कॉलम ठीक इसी को लिखेंगे ए वन बी वन ए टू ठीक ए थ्री सेम उससे हो जाएगा बी वन बी टू बी थ्री यहाँ पर सी वन सी टू सी थ्री ये क्या लगा थ्री रो इंटू थ्री कॉलम थ्री रो थ्री कॉलम अपन लोग को यही यूज करना है इसलिए हम आपको यही का डायरेक्ट करवा रहे हैं आप उसे उसमें सीखिएगा इसका बहुत होता है प्रॉपर्टी रो चेंज कर सकते हैं कॉलम चेंज कर सकते हैं बहुत प्रॉपर्टी होता है वो आगे सीखिएगा लेकिन हमको सिंपल यहाँ जैसे कहेंगे वैसे करना है सिंपल आपको आ जाएगा ठीक इसका रिजल्ट निकालने के लिए आइए करते हैं इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं करना है जब आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा ठीक तो वहां आप सीखिएगा अभी जैसे काम चलाना है काम चलाना है इसी पे सब क्वेश्चन बन जाएगा जैसे मान लीजिए वेक्टर आपको दिया हुआ है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप वैसे बी वेक्टर दिया है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के ठीक इसका ए क्रॉस बी निकालना हो तो क्या कीजिएगा सीधे डिटरमिनेंट बनाइएगा थ्री रो थ्री कॉलम एक में लिख दीजिए आई कैप ऊपर में जे कैप और के कैप एक रो में दूसरा रो में ये उतारना है ए वन ए टू ए थ्री जैसे है सेम छाप दीजिए दूसरा ये तीसरा रो में ये B1, B2, B3, ठीक जब इतना लिख लीजिएगा तब क्या करना यहाँ पे करना है प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस ये सेम ऐसे से आपको भी करना है उसके बाद क्या करना है यहां से उठाना है एक एक करके उठाना है साइन के साथ जैसे देखिए आई कैप है प्लस आई कैप उठा लिए प्लस आई कैप और ब्रैकेट यहाँ डाल दीजिए और देखिए पहला कॉलम तो हमेशा ढके जाएगा जो जहां से उठा रहे हैं उसको दोनों तरफ ढक दिया ऐसे इसको ढक दीजिए इसको ऐसे ढक दीजिए क्या बचा ये बचा इसको क्या करना है ऐसे गुना इसको इससे गुना और माइनस ये क्या करना है माइनस